हेलो, वेलकम टू ट्यूशन नेट जेआरएफ क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी एनटीए का रिज़ल्ट कब आने वाला है और नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम दिसंबर वाला 2022 वाला कब होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, CSIR का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। तो जो लोग ने एग्ज़ाम्स दिया था वो अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक, और आपको इस चैनल पर मिलता है वीडियोस, लेक्चर्स ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू इकोनॉमिक्स के। PYQs मिलते हैं आपको पेपर वन पेपर टू इकोनॉमिक्स के। करंट अफेयर्स मिलते हैं पेपर वन और पेपर टू से ही रिलेटेड। पेपर टू में तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, और पेपर टू में जो लास्ट थ्री यूनिट्स होते हैं हमारे, यूनिट 8, 9 और 10, यानी कि हायर एजुकेशन, ICT और इसके अलावा हमारा होता है पीपल एंड डेवलपमेंट, है ना। तो इसके करंट अफेयर्स आपने पढ़ने होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको इसकी फ्री PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को इसको ज्वाइन कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जैसे कि NDA की तरफ से एक नोटिस रिलीज़ हुआ है जो हुआ है 28 को, यानी कि परसों। तो परसों जो रिज़ल्ट आया है वो CSIR UGC NET का रिज़ल्ट आया है। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये UGC NET के होते हैं, लेकिन इसको कंडक्ट कराता है CSIR। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये हम देखते हैं। तो इसमें आता है हमारा अर्थ, एटमोसफेरिक, ओशन, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंस। ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट रिलीज़ हो चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो चेक कर लें अपना रिज़ल्ट। और जैसे कि हमें पता है कि UGC NET NTA जो है, जब सबसे पहले CSIR वालों का रिज़ल्ट रिलीज़ करता है ना, फिर उसके बाद में होता है UGC NET वालों का। तो अब ये इनका तो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। ये हुआ है 28 अक्टूबर को, यानी परसों। ठीक है, और आज 30 अक्टूबर। तो ये जो UGC NET वालों का, मर्ज साइकिल वालों का जो रिज़ल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में, या फिर 15 नवंबर तक। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में या फिर 15 नवंबर तक आप इसको लेकर चलिए। एक्सपेक्टेड है 15 नवंबर से पहले पहले या 15 नवंबर तक आपका जो रिज़ल्ट है UGC NET का वो अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखो, अभी सिर्फ आंसर कीज़ आई हैं, प्रोविजनल आंसर कीज़, फिर उसके बाद फाइनल आंसर कीज़ आनी है, कट ऑफ लिस्ट आनी है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और फिर बीच में ये जो सारे फेस्टिवल्स आ गए, इसकी भी छुट्टियाँ हुई हैं। ठीक, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अब ये तो हो गई हमारी रिज़ल्ट की बात, मर्ज साइकिल वाले। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2022 एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, अगर हम ये मान रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो, जो रिज़ल्ट है वो 15 नवंबर तक आना है। ठीक है, और जो दिसंबर 2022 वाला जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो 100% श्योर है कि नहीं होगा दिसंबर में। ठीक, तो ये कब होगा? अभी देखो, रिज़ल्ट 15 को अगर आएगा तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स आने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, फिर उसका भी एक प्रोसेस चलता है। वो कम से कम, अगर हम देखें तो इस बार जो फॉर्म्स आए थे वो 15 या 20 दिन तक के लिए ही अवेलेबल थे साइट पे, फिर उसके बाद वो वहाँ से हट गए थे, है ना। फिर करेक्शन विंडो ओपन हुआ था। तो अगर बहुत जल्दी जल्दी भी करे NTA तो ये हो सकता है आपका 20 दिन के लिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म ही आए तो दिसंबर में तब भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड्स आते हैं, करेक्शन विंडो ओपन होती है, एडमिट कार्ड्स आते हैं। ठीक, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो 100% श्योर है कि जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2022 वाला वो मर्ज हो जाएगा जुलाई के साथ। ठीक है, जुलाई 2023 वाले के साथ वो मर्ज होने वाला है। ठीक है, तो आपने जो प्रिपरेशन करनी है ये मर्ज साइकिल वाले के लिए करनी है। ठीक है, तो यू हैव 6 मंथ्स टू प्रिपेयर UGC NET एग्ज़ाम। ठीक है, और ये जो 6 महीने ना, ये बहुत हैं अगर आप अपना लगन से, पूरा डेडिकेशन के साथ, आपने सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, और अगर आपका
इस बार नेट क्वालिफाई हो रहा है तो आप GRF आपका श्योर, ऑब्वियसली आपका जो टारगेट होगा वो GRF ही होगा, तो आप GRF की तैयारी कीजिए, ठीक है। ये मत चिंता करिए कि कब फॉर्म्स आने हैं, जब प्रिपरेशन है आपकी तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम होना है आपको देना है, जब आप तैयार होंगे तो, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है ना आपका, ये जून में हो सकता है, जून में हो सकता है या फिर अगस्त में हो सकता है, ठीक। इतना लंबा नहीं, तो ये जून में हो सकता है या फिर मई में हो सकता है, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर रहना है इसके लिए, सही। अगर हम देखें तो हमारे पास है 6 मंथ्स तो है ही, तो 6 मंथ्स में आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा 2 बार, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं टाइम टेबल वाली, जो मैंने पूरा एक टाइम टेबल बनाया है कि अगर आपको आपका टारगेट GRF है या नेट है तो उसको कैसे अचीव करना है अपने गोल को, तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए। वो वीडियो आप ही लोगों के लिए मैंने उसको बनाया है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक।